वेलकम टू माय चैनल इंडिया सर्च करें। तो मैं आज आपको बता रही हूँ सूजी का बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला नाश्ता। हमने दोनों गैस चला करके एक पर कढ़ाई रखेंगे और एक पर तवा। ब्रेकफास्ट के लिए हमें बहुत जल्दी से तैयार करना पड़ता है, इसलिए मैंने दोनों गैस पे ये दोनों बर्तन चला करके रखे हैं। एक तरफ हम सूजी भुनेंगे और एक तरफ झटपट प्याज भून लेंगे। दोनों में मैंने थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया है, राइस ब्रैन ऑयल लिया है मैंने, आप भी लीजिए, ज़्यादा अच्छा बनता है इससे, राइस ब्रैन ऑयल से अच्छा बनता है। प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं, देखिए प्याज बारीक काट लीजिए। जो तवे पे हमने तेल गरम किया है उसमें थोड़े सरसों के दाने डाल करके जी हमने एक कप लेंगे हम। और जब तक तवा गर्म हो जाता है, तेल गर्म होने पर ही उसमें सरसों के थोड़े से दाने डालेंगे, काली सरसों के बीज हमने लिए हैं। तो उसके बाद हम उसमें प्याज भुनेंगे, ठीक है, अभी गर्म हो रहा है। ये हमने सूजी कढ़ाई में डाल दी है, तेल गर्म हो चुका था, सूजी हमने कढ़ाई में डाल दी है, एक कप सूजी। एक तरफ हमने दूध को गर्म करना रखा हुआ है, आप पहले भी करके रख सकते हैं। इधर हमने तवे पे प्याज और दो चार दाने सरसों के डाल के भूनने के लिए रखे हुए हैं। सूजी हल्का हल्का भूननी शुरू हो जाएगी, तब तक दूध गर्म हो जाएगा। गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, देखिए प्याज। सूजी को लगातार चलाते रहें, नहीं तो जल जाएगी। प्याज को भी हल्का चला देंगे। प्याज में हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, थोड़ा कम खाते हैं तो आप कम डाल लीजिए। मैंने थोड़ा कम डाला है क्योंकि बच्चे थोड़ा कम खाते हैं लाल मिर्च। थोड़ा सा आप इसको स्पाइसी बनाने के लिए काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ लाल मिर्च डाली है इसमें। जब तक लाल मिर्च अच्छे से भुन जाएगी तो हम देखिए इधर सूजी हमारी रेडी हो गई है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको अच्छे से भून लिया है। इधर देखिए रेड मिर्च बिल्कुल अपना कलर का बाहर आने लग गया है, प्याज के साथ अच्छा सा कलर दे रही है रेड मिर्च करके। अभी हमने गैस बंद करके और ये मिल्क के साथ हम इसको, मिल्क से कैसे हम इसमें डालेंगे देखिए, अब आपको दिखाती हूँ।
थोड़ा भून जाने दीजिए। तवे पे हमने थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और वो प्याज जो थे उसको साथ ही दोनों को, आप अलग से भी डाल सकते हैं, मैंने दोनों को साथ ही डाल दिया है सूजी के अंदर। थोड़ा पानी भी डालेंगे, अभी इसको चलाएंगे। थोड़ा हमने इसमें पानी डाला है और इसे अच्छे से चला लेंगे। दो चार मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। सूजी को भूनते टाइम हमने उसमें नमक डाल दिया था, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जब सूजी भूनना शुरू करेंगे सॉल्ट तभी मिला देंगे, इससे सूजी अच्छी भुन जाती है। ये नाश्ता तैयार होने लग गया है। ठीक, हरा धनिया डाल करके सर्विंग के लिए तैयार हो जाएगा। ये हमने प्लेट में निकाल दिया है। हरा धनिया डाल दें, कितना अच्छा जो है कलर आया है, नेचुरल कलर है बिल्कुल। खाने में अच्छा है, टिफिन के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। बनाने में आसान है और खाने में भी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।